केशकाल वन मंडल अधिकारी गुरुनाथन एन के निर्देशन पर वन परिक्षेत्र केशकाल फरद गांव बड़े राजपुर और बड़े डोंगर क्षेत्र के साप्ताहिक हाट बाजारों में वन विभाग द्वारा वनों को आग से सुरक्षा बचाव हेतु नुक्कड़ कला जत्था कर ग्रामीणों को गोड़ी हल्बी एवं छत्तीसगढ़ ही बोली से ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही वन विभाग संबंधित शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की भी जानकारी दी जा रही है। कोंडागांव से राजकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। मैं वर्दा के का अच्छा टूटा है आंदा कहां जावास भी दी जंगल बाट जर रहा हूं दिल्ली आ मैं लकड़ी का जानता कहां जर रहा ले जाने ने मोर बट पड़न रे गुमोर रुक जा रात चाणो जंगल चुगर भी जरा रे आम के बूतक पटा ना दादा मां ता कसम तो का दूसरा बूथा दे तुम जो जरा लो ने जंगल जर से उतरो देखो बूता तो खला है का बूताऊ दे आंदा खचो बल तक लोग तुम बल बूता वास है काय आम के नुकसान आ नहीं ना उधर जड़ी बूटी दतून खिड़ा मुगड़ा बल सब मार दो जाओ ओके रे अब आओ ये ले अन बा टूटे दे धीरे धीरे देना मार दे ता नाजो हां अना ओली 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 बूटी 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 ए तेरे जो के दे हां हम जाऊं बे आदा हां अरे पकड़ मन बस जाना अभी जंगल में जो है हर जगह में अग्नि सीजन शुरू हो गए हैं। इसमें जो है वन विभाग बहुत इसमें गंभीरता से लेके क्योंकि हमारा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है वन का सुरक्षा। हम लोग क्या है तुरंत हमारे पास सैटेलाइट्स में जानकारी मिलता है कहाँ जो है आग लग रहा है उस स्टाफ को पहुँच मुंबई में पहुँच जाता है और संबंधित स्टाफ वहाँ जाके उसको कार्रवाई करता है। लेकिन जो आग बुझाना एक बात है और वो सबसे और इम्पोर्टेंट है उसको ना लगाने के लिए प्रयास अवेयरनेस। सो अवेयरनेस में मेरा ध्यान ज़्यादा है इधर। हम लोग क्या कर रहे हैं पूरा गांव-गांव में हर हाट बाजार में हम लोग जो है नुक्कड़ नाटक का माध्यम से ड्रामा करके उनको लोकल भाषा हल्बी गोंडी में बताते हैं ताकि आग से क्या नुकसान हो रहा है क्योंकि लोग उसको जान नहीं रहे मतलब ऐसे लगा रहे हैं महुआ बिनने के लिए खेत को साफ करने के लिए लेकिन उनको मन में क्लियर कट हम लोग को समझा रहे हैं ताकि आपको आग लगाने से जंगल जंगल को और वन्य प्राणी को क्या नुकसान हो रहा है इसको हम लोग समझा रहे हैं। इसको अच्छा से लोग समझ रहे हैं और इसको जो है एक फल मिल रहा है ताकि उस जगह में हम लोग लगातार प्रयास में हैं।